आपका फिर से स्वागत है देश विदेश से जुड़ी खबरों में। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया के कई देश उथल पुथल में लिपटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूरोप के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल भारत ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वाद के साथ कई देशों का दिल जीत लिया है, और खासकर यूरोप देश तो भारत के फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वाद को देखकर उनके दीवाने हो चुके हैं। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने इतिहास के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यूरोप देश पोलैंड के लिए GI टैग वाले फिक्के जूस की खेप को रवाना कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूरोप मार्केट में भारत में प्रोड्यूस किया गया फिक्का जूस पहुंचने जा रहा है। और वहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस समय वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी चल रही है और चीन की कंपनियों के साथ साथ उनके कई प्रोडक्ट को यूरोप देशों से लात मारकर बाहर निकाला जा रहा है, उसी समय आर्थिक मंदी का असर भारत पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि भारत का एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत के द्वारा पहली बार यूरोपीय मार्केट में फिक जूस के एक्सपोर्ट में चीन को हैरान करके रख दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने एक बार फिर से यूरोप मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार ली है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल 27 अमीर देशों वाला यूरोपीय यूनियन इस समय भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि भारत के द्वारा जो प्रोडक्ट का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 17.5% हिस्सा अकेले यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें यूरोप के अमीर देश भारत से दवाइयाँ, खपड़े और मशीन कंपोनेंट के साथ साथ भारत से चाय, कॉफ़ी और मसाले समेत अन्य सभी कृषि उत्पादन वाली खाने पीने की वस्तुओं को भारत ज़्यादातर भारत से ही खरीदते हैं। और इसमें भी खासकर यूरोपीय देश भारत के मसाले और अन्य खाने पीने की वस्तुओं पर इस तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं कि यह भारत के प्रोडक्ट बिना अपना खाना तक नहीं पका सकते। यानी कि एक तरीके से यूरोपीय देश भारत से भेजे जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं के दीवाने हो चुके हैं, और उनके इसी दीवानेपन से भारत के एक नए प्रोडक्ट को यूरोपीय मार्केट में पहली बार एंट्री मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिग यानी कि अंजीर के जूस की, जिसे हाल ही में महाराष्ट्र की पुरंदर हाइट लेट्स लिमिटेड ने पोलैंड में एक्सपोर्ट कर दिया है। और खास बात यह है कि पुरंदर हाइलैंड्स लिमिटेड एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसने GI टैग वाले पुरंदर अंजीर से इन जूस को खुद भारत की अपनी प्रोडक्शन यूनिट में तैयार किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अंजीर के जूस बनाने वाली इस प्रोड्यूसर कंपनी को अपनी क्वालिटी और स्वाद के कारण इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। हालांकि अभी इसे केवल पोलैंड के लिए एक्सपोर्ट करने की परमिशन भारत की तरफ से मिली है, लेकिन जैसे ही भारत में प्रोड्यूस किया गया अंजीर के जूस एक बार यूरोपीय मार्केट में पहुँचेंगे तो वहाँ के लोग भारत के इस फूड प्रोडक्ट के भी दीवाने हो जाएंगे, जिससे जल्द ही इसे यूरोप के इटली, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में भी भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए इस कंपनी द्वारा अंजीर के जूस का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि आज तक ऐसा देखा गया है कि खाने पीने के जिन एग्रीकल्चर वस्तुओं ने एक बार यूरोप के किसी देश में एंट्री मारी है, वह यूरोप के लगभग सभी देशों में फैल गई है, और लगभग सभी यूरोपीय देश इन चीज़ों को लगातार भारतीय से खरीदते आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत से यूरोपीय देशों में भेजे जा रहे मसाले, बासमती चावल और चाय, कॉफी जैसे अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आपको बता दें कि पिछले साल भारत ने अपने देश में चावल की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए राइस एक्सपोर्ट पर कुछ देशों के लिए बैन लगा रखा था। इसके बाद यूरोपीय देशों में उथल पुथल मचना शुरू हो गया और उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर भारत से राइस एक्सपोर्ट को दोबारा से चालू कराने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद भारत ने इसका एक्सपोर्ट चालू किया। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्ट देश है और ज़्यादातर देश भारत से ही चावल खरीदते हैं, और उत्पादन की कम लागत के कारण क्वालिटी वाले स्वादिष्ट भारतीय चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोग काफ़ी कम प्राइस में बेच देते हैं। और भारत के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, लेकिन तांस से यूरोपीय देश राइस नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि यूरोप देश भारत से ज़्यादातर बासमती चावल को खरीदते हैं, जिसके लिए भारत के बासमती चावल को GI टैग भी यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिला हुआ है। फिलहाल यहाँ पर GI टैग की बात की जाए तो यह एक खास प्रोडक्ट पर दिए
जाते हैं जो कि किसी विशेष प्रकार के एरिया प्रोड्यूस होते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट दूसरे देशों में नहीं मिल पाते और ये GI टैग महाराष्ट्र बेस्ड पोरबंदर हाई लैंड कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अंजीर के जूस पर मिला हुआ है क्योंकि भारत की यह कंपनी जो अंजीर के जूस को प्रोड्यूस कर रही है, इसकी क्वालिटी एकदम यूनिक होने के साथ साथ उसका स्वाद भी बिल्कुल अलग है और इस तरह के अंजीर वाले जूस को कोई देश नहीं बना पा रहा। भारत की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट अथॉरिटी को यह बात 2022 में मालूम चल चुकी थी कि पुरंदर हाईलैंड्स द्वारा जो फेक जूस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा विशेष और स्वाद में यूनिक है। उन्होंने इस समय उस प्रोडक्ट को GI टैग दिला दिया। इसके बाद 2023 में उनके द्वारा नई दिल्ली में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को यूरोपीय देशों में बढ़ाने के लिए मीटिंग कंडक्ट कराई, जहां इस प्रोडक्ट को पेश किया गया, जिसमें इटली और पोलैंड ने इस प्रोडक्ट के स्वाद जब चखा तो वह उसके दीवाने हो गए। उनकी तरफ से इसकी डिमांड की गई। साथ ही इस आयोजन में पोलैंड और इटली के खरीदारों ने भी अपनी इंटरेस्ट को दिखाया, जिससे किसी विशेष क्वालिटी और मीठे स्वाद वाले अंजीर के जूस को पोलैंड के खरीदारों की डिमांड के बाद भारत की तरफ से भेजा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि फार्मा प्रोड्यूसर द्वारा फिर जूस की पहली खेप के एक्सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में जर्मनी के हैमबर्ग बंदरगाह से होते हुए 1 अगस्त के दिन कंटेनर में लोड कर इसके से भेजा गया। वैसा देखा जाए तो अंजीर के जूस का एक्सपोर्ट करने के बाद भारत की जमकर कमाई होने जा रही है, क्योंकि अंजीर का जब प्रोडक्शन है वे लोकल तरीके से आसानी से भारतीय किसान कर रहे हैं और भारत की जलवायु अच्छी होने के कारण इसे उगाने की लागत काफ़ी ज़्यादा कम है और इसका प्रोडक्शन करने वाली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसलिए अंजीर के जूस को बनाने में कई छोटे छोटे किसान मदद कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत में देसी तरीके से बनाए जाने वाले फिग जूस ने अपने ज़बरदस्त पहचान के साथ इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मार लिया है और वह भी ऐसे देशों में जहां के लोग पहले से ही भारतीय फूड प्रोडक्ट के दीवाने बन चुके हैं। और यूरोप के अकेले पोलैंड देश को देखा जाए तो पिछले साल भारत के पोलैंड के बीच लगभग $6 मिलियन का वायलेट ट्रेल ट्रेड हुआ है और यह साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हम लोग न सिर्फ पोलैंड के में सामानों को एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहे हैं बल्कि पोलैंड टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे हैं, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर और एयरक्राफ्ट हम लोग ने पोलैंड से कई बार खरीदा है। बाकी आप लोगों की क्या लगता है कि अंजीर के जूस को भी अन्य प्रोडक्ट की तरह पूरे यूरोपीय मार्केट में नई पहचान मिल पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों को तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।